शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मैंने लीडो पेरिस में मिला था। तुम यहाँ रहते थे? तुम्हारा कैसीनो बहुत अच्छा। आपके भाई जोसेफ की डेथ हो गई। मैं आपका बिछड़ा हुआ बेटा रवि हूँ। आइए कुमार साहब आइए, फरमाइए क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी। नरसिंहगढ़ का एक हार आया है, सोचा आपको दिखा दूं ताकि ताकि इसकी असली कीमत का अंदाजा लग सके। जी नमस्ते। बिल्कुल असली हीरा है। सारे असली है ना? मैं इसकी नहीं उसकी बात कर रहा हूं। मारे को तो थारी भतीजी लगे। हाँ मुझे भी पहले शक हुआ था, लेकिन लेकिन वो तो कश्मीर में बैठी है। आज सुबह उसका ट्रंकाल आया था। ट्रंकाल आया तो कमाल है, वही नैन वही नक्शो। नैन नक्शों को छोड़िए दागा सेठ, हर आदमी का कहीं ना कहीं डुप्लीकेट होता है। आपका भी होगा कहीं अफ्रीका में। वैसे त्रिपाठी साहब मुझे लगता है मैंने कहीं देखा है। This is Mr. Tripathi, famous jeweler, owner of this casino and what not. Seth Daga and Dharam Das. Ole. Oh, this is Senorita Sophie Dilcaza, famous dancer and singer. Pleased to meet you. No pleasing, no meeting. Hand the disinfectant. Who is he? I am Senora de Maria de Cruz of Santa Cruz, secretary by generation. My grandfather, secretary to her grandmother. My father, secretary to her mother. I am secretary to her. In short. Kumar ji, aap inhe kaise kaise jante hain? Maine Lido Paris mein mila tha. Me? मैंने लीडो पेरिस में मिला था। लीडो बहुत अच्छी स्पैनिश डांसर है, कई जबाने जानती है। वेरी गुड, आप हिंदी तो बहुत अच्छी बोल लेती। थोरा थोरा, हमको आपसे मिलकर बहुत खुशी हुआ। सर, देयर इज समबडी आस्किंग फॉर मिस्टर डी मारिया। फॉर मी? एक्सक्यूज मी, आलू मैनेजर कपूरा कपूर? यस। No, 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 no dance, no dance, no dance in Taj, no dance in Holiday Inn, no dance in Sun and Sand. Madam here on rest, madam here on music study. How can I? Why are you bothering me, please? No, 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 no. आप इंडिया कब आए? It is over. कल को आया। इधर का म्यूजिक और डांस स्टडी करेगा और फिर उसके बाद सिंगापुर टोक्यो होनोलुलु जाएगा। होनोलुलु सीनियर टी पार्टी, तुम्हारा कैसीनो बहुत अच्छा। हम इसका तारीफ टाइम लाइफ प्लेबॉय मैगजीन में पढ़ा, इसलिए देखने को आया। तुम्हारा डांस फ्लोर बेला बेला ब्यूटीफुल, इसको देखकर हमारा दिल करता है कि हम डांस करेगा। सिनोरीना तफरीक दून को द प्योर उद रेस्ट उद डॉक्टर। सीनियर डी मारिया, व्हाई आर यू फोकसिंग नोज इनटू माय अफेयर? सॉरी। हमारे लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या हो सकती है? आप जैसी ग्रेट आर्टिस्ट अगर यहाँ डांस करें तो हम भी उसका आर्ट देख सकते हैं। सीनियर टी पार्टी, ये ग्रेसिया। हाँ मिस सोफी, बिजनेस की बातें तो आप इनसे करते रहिएगा, मैं तो सिर्फ आपका फैन हूँ। कल शाम आप मेरे बंगले पर आइए और खाना मेरे साथ खाइए। ये रहा मेरा कार्ड, बाय बाय। मैडम सोफिया, अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, आप इस आदमी के बंगले पर मत जाइए। Why? He is a good man. Oh no no. He is a rapist. No 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 no. Not possible. Not possible. Screw you. What are you saying? ये तो मेरी ड्यूटी है। अच्छा कहिए, मेरे ऑफर का क्या हुआ? Okay. See, we accept. दिल काजा बहुत अच्छा नाचिए। लेट मी किस योर हैंड।
ओले ओले लकी मैन। यही हो रहा था मां, जब मेरी बदनसीबी ने मुझे बीवी बच्चों से जुदा किया था। उसके बाद ये रात आती रही और मैं तेरे दर पे अपना माथा रगड़ता रहा कि किसी दिन तुझमें ममता जागे और तू मुझे मेरे जिगर के टुकड़ों से मिला दे। अब और नहीं तड़पा जाता मां, और नहीं तड़पा जाता। यजमान, भिखारी भिक्षा के लिए खड़े हैं। ए, किधर देख रही है, कंबल नहीं लोगी? कंबल? हाँ। मुझे दिखाई नहीं देता बाबूजी। ओ, ये लो। भगवान आपका भला करे बाबूजी। आपके बच्चे भले भोले, आपका घर आबाद रहे। भगवान करे तुम्हारा कहा सच हो। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? माँ। अरे माँ भी साथ है? सर्दी लग रही है शायद। ला। अरे और एक कंबल दे दो भैया। सेठ जी कंबल तो सब बट गए। अरे तो बिटिया के लिए कोई कंबल बचा ही नहीं? खैर कोई बात नहीं। बाबू जी। अच्छा ये लो बिटिया। ये क्या है बाबू जी? वो अपने माँ को किसी डॉक्टर को दिखाओ। हाँ अरे 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 गटर में गिरना है क्या? इतना बड़ा गटर तुम्हें दिखाई नहीं देता? नहीं बाबूजी, मैं अंधी हूँ। ओ लेकिन इतनी रात गए अकेले यहाँ पे क्यों आई? मेरी माँ बुखार में सड़क के किनारे बेहोश पड़ी है, वो पानी पानी कह रही थी। एक बूढ़े बाबा मुझे इस नल तक पहुंचा गए। ओ चलो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास छोड़ देता हूँ। माँ जी लीजिए पानी। चलिए माँ जी मेरे घर चलिए। हम अपनी मुसीबतों का बोझ किसी और पर नहीं डालना चाहते। आप ऐसा मत सोचिए माँ जी, इस वक्त आपका बदन बुखार से तप रहा है। आप मेरे घर चलिए, पहले ठीक हो जाइए। चलिए चलिए चलिए। बहुत देर से तुम्हें देख रहा हूं बेटा, खोए खोए से खड़े हो। खुशी की रात, आंख में आंसू, बात क्या है? कौन हो तुम? इसी रात से हमारी बदनसीबी की कहानी शुरू होती है बाबा। इसी मकान में मैं अपने माँ बाप भाई बहन के साथ रहता था। तुम यहां रहते थे? हाँ मैं घनश्याम का बेटा हूं। तुम घनश्याम के बेटे हो? देवता आदमी था बेचारा, उन कमबख्तों ने धोखा देकर उस मासूम को फंसाया था। फंसाया था? मैं समझा नहीं बाबा, किसने फंसाया था बोलो। रघु ने तुम्हारे पिता को हराने के लिए पत्ते बदले थे, लेकिन गलती तुम्हारे पिता की नहीं शेर सिंह की थी, जिसने तुम्हारी मां पर कीचड़ उछाला था। मगर इसमें असली बदमाशी रघु की थी, ना वो पत्ते बदलता ना ये घटना घटती। रघु कहां है इस वक्त? तुम में से रघु कौन है?
मैं पूछता हूं तुम में से रघु कौन है? यहां रघुनाथ सिंह के नाम को बदतमीजी से पुकारने वाले की जबान खींच ली जाती है। कौन किसकी जबान खींचता है ये तो बाद में पता चलेगा, अभी तो मैं तुम्हारी जबान खुलवाने आया हूं। आज से 20 साल पहले दीपावली की रात में तुमने बेईमानी करके घनश्याम नाम के आदमी के पत्ते बदले थे। बोलो इसके पीछे क्या चाल थी? क्या मैं पूछ सकता हूं ये गड़े मुर्दे उखाड़ने वाले तुम कौन हो? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है रघुनाथ। मैं फिर तुमसे पूछता हूं घनश्याम के पत्ते बदलने में क्या चाल थी? अभी बताता हूं। बता नहीं तो जान से मार दूंगा। बताता हूं पत्ते बदलकर घनश्याम को हराने के लिए शंभू ने 5,000 रुपए दिए। शंभू चाचा ने? मैं क्यों? ये मैं नहीं जानता इसमें क्या चाल थी, ये सिर्फ शंभू जानता है। माँ तुम बोलती क्यों नहीं? माँ कुछ बोलो तो, अब मैं क्या करूँ? मुरली बाबू भी घर पे नहीं है। अरे कोई है? क्या था सुमाला रे? क्या चीज है? क्या है? मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे मुझे किसी डॉक्टर के घर तक पहुंचा दो। अच्छा अच्छा वही ठहरो, मैं आता हूं। आओ डॉक्टर के पास ले चलो। आओ, वो रहा डॉक्टर का दरवाजा। आओ आओ, ये रहा डॉक्टर साहब का दरवाजा। ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे। बात का इलाज तो बाद में कराना जानी। फिक्र मत करो बहन, अब देखता हूँ तुम्हें कौन हाथ लगाता है। कृष्ण भगवान। उसी ने मुझे यहाँ भेजा है। घबराओ मत बहन, सब भाग गए हरामजादे। लो ये पहन लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ये तो मेरा फर्ज था, लेकिन तुम इस वक्त रात को बारिश में? मेरी माँ बहुत बीमार है, मैं घर में अकेली थी, घबरा कर बाहर निकल पड़ी कि शायद कोई मिल जाए जो मुझे किसी डॉक्टर के यहाँ तक पहुँचा दे।
चलो मुझे अपने घर ले चलो, मैं तुम्हारी माँ को डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। आओ चलो। माँ, माँ, बाबूजी, माँ बोल क्यों नहीं, क्या हो गया मेरी माँ को? बाबूजी क्या हुआ माँ को? तुम्हारा नाम क्या है? चंदा। चंदा। चुप, बदतमीज़, फिर कभी ऐसी गंदी बात मुंह से निकाली तो खाल उधेड़ के रख दूंगी। अपने बाप से चोरी करवाना चाहता है क्या? मैंने तुम्हें यही शिक्षा दी? नहीं, याद रखो, जिस दिन तुम दोनों भाइयों में से किसी ने चोरी की या हराम की कमाई को हाथ लगाया, उस दिन मैं आत्महत्या कर लूंगी। माँ को जब पता चलेगा कि तू एक मुजरिम और लुटेरा है तो वो जीते जी मर जाएगी। दवा क्या, तेरे घर का पानी भी नहीं पिएगी, आत्महत्या कर लेगी। माँ और बहन का सुख देखना चाहता है तो उन्हें कभी मत बताना कि तू रबी है। अजनबी बनकर रहा तो क्या उनकी सेवा तो कर सकेगा? उनकी छीनी हुई खुशियां तो वापस कर सकेगा? कुंवर साहब इस हालत में? दुनिया की अच्छी से अच्छी दवा मैं आपके कदमों में रख दूंगा, बस आप इन्हें बचा लीजिए। घबराइए नहीं कुंवर साहब, हालत ज्यादा खराब नहीं। हालत ज्यादा खराब नहीं तो ये बेहोश क्यों है? मैं अभी इंजेक्शन देता हूँ, ये होश में आ जाएंगे और बीमारी का पता चल जाएगा। घनश्याम की बीवी? ये चक्कर क्या है? Nothing to worry. ये तो इस जन्म का बदला ले रहे हो, मेरे सुहाग का सुख छीन लिया, बेटों को मुझसे अलग करके मेरी ममता का गला घोट दिया। ऐसी जिंदगी से तो अच्छा हम दोनों को मौत क्यों? मैं कितना बदनसीब हूं, अपनी मां को मां नहीं कह सकता, उसे सीने से लगाकर ये नहीं बता सकता कि मैं ही उसका बेटा रवि हूं। कुमार घनश्याम का बेटा है, अगर घनश्याम को भी बच्चे मिल गए तो मेरे हाथ से निकल जाएगा। किसी भी कीमत पर मैं इन लोगों को मिलने नहीं दूंगा, कभी नहीं मिलने दूंगा। कुमार साहब, आई हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब का फोन है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो, हाँ मैं कुमार बोल रहा हूँ। क्या सच डॉक्टर, आप सच कह रहे हैं? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। माँ, जानती हो डॉक्टर साहब ने क्या कहा कि चंदा ये दुनिया देखेगी। चंदा मेरी बहन, तेरी जिंदगी में अब अंधेरा नहीं रहेगा। मुरली सुना तूने? बोलो, तू ये फोन लेकर आया? जी। ये ले, ये सब रख ले, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, मेरी चंदा को रोशनी मिलेगी। चंदा, इस खुशी के मौके पर तो उदास क्यों है? नहीं, मुझे मेरे बड़े भैया याद आ गए, कहते थे पढ़ाकर डॉक्टर बनूंगा और अपनी बहन की आंखें ठीक करूंगा, फिर मेरी चंदा सब कुछ देखेगी। मेरी बहन, आज से तू ये समझ ले कि मैं तेरा बड़ा भाई हूं। तुम उनसे भी बढ़कर हो बेटा, वो दोनों भी इससे ज्यादा क्या करते। माँ, ये तो
ये तो मेरे अगले पिछले सभी जन्मों की बहन है। मुझे मुझे आज ही चंदा को हॉस्पिटल में भर्ती करना है, फिर मेरी चंदा वहां से दुनिया देखते बाहर आएगी। कुंवर भैया, दुनिया से ज्यादा तो मैं आपको देखना चाहूंगी। हेलो अंकल। हाँ बेटा, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अंकल, वो मैं सुषमा को बाहर घुमाने ले जा सकता हूँ? हाँ बेटे, जरूर ले जाओ। अगर मैं ना कहूंगा तो तुम छुप छुप के घुमाओगे इसे। जाओ जी, अब जाओ। थैंक यू अंकल। थैंक यू अंकल। थैंक यू। ये डीएसपी भतीजी की आड़ लेकर चाचा जोसेफ तक पहुंचना चाहता है। अब मुझे जोसेफ की फाइल बहुत जल्द बंद करनी पड़ेगी। दोस्तों, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने मेरी दावत कबूल करके मेरे इस गरीब खाने को इज्जत बख्शी, और सबसे ज्यादा मैं कमिश्नर साहब का एहसानमंद हूं जिन्होंने बरसों से बिछड़ी हुई मेरी इस भतीजी को मुझसे मिलाया। बेटे नमस्ते करो। आज मैं कितना खुश हूं ये सिर्फ भगवान जानता है, और मैं चाहता हूं कि आप सब मेरी खुशी में शामिल हो। इसलिए आपकी दिलबस्तगी के लिए मैंने एक म्यूजिकल प्रोग्राम रखा है, और उसका उन्वान है दौलत या मोहब्बत। त्रिपाठी साहब गजब हो गया। क्या हुआ? हांगकांग से टेलीग्राम आया, आपके भाई जोसेफ की डेथ हो गई है, और कल सुबह की फ्लाइट से उनकी बॉडी भेजी जा रही है। अंकल, अंकल, क्या हो गया अंकल? हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने? भतीजी दे दी और भाई को छीन लिया। अंकल, नहीं बेटी, हिम्मत से काम लो। Since Almighty God has called our brother Joseph D'Souza from this life to himself, we commit his body to the earth from which it was made. Christ was the first to rise up from the dead, and we know that he will raise up our bodies to be like his in glory. We commend our brother to the Lord. May the Lord receive him into his peace and raise up his body on the last day. May God give you enough courage and patience, my child. God bless you. Thank you, Father. खैरी रात को 12 बजे आ जाएगा शाम। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। फादर, एक्सक्यूज मी प्लीज। फादर। यस माय चाइल्ड। माय फ्रेंड, आपके सामने कन्फेशन करने को मांगा है। अभी तो हम बहुत टायर्ड, उसे कल भेजो ना। ओह नो 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 फादर, माय फ्रेंड मेंटल कंडीशन बहुत खराब, वो कन्फेशन करके अपना दिल का बोझ हल्का नहीं करेगा तो वो सुइसाइड खुदकुशी कर लेगा फादर। ओह प्लीज फादर, प्लीज। ओके, उसको शाम को 7 बजे भेजो। ओह मुचो ग्रेसियो फादर, थैंक यू वेरी वेरी मच। ओह ग्रेसियो ग्रेसियो। खामोशी पाक परवरदिगार की जबान है, इसलिए आप लोग आंखें बंद करके उसकी तरफ ध्यान लगाएं। हम सिर्फ कल तक यहां हैं,
जोसेफ हमें बहुत प्यारा था, इसलिए उसकी आत्मा की शांति के लिए आज रात को उसी कब्र पर हम प्रेयर करेंगे। यही हमारा मिशन है, और हमारा मिशन पूरा होते ही हम आप लोगों को आजाद कर देंगे। गॉड ब्लेस यू। फादर, मुझसे एक बहुत बड़ा पाप हुआ है। कहो मेरे बच्चे, क्या कन्फेस करना चाहते हो? फादर, मैंने एक हंसता खेलता भरा पूरा खानदान बर्बाद कर दिया। ऐसा खानदान जहां मुझे इज्जत और प्यार मिला था, एक ऐसे दोस्त को घर से बेघर कर दिया जो मुझे अपना भाई समझता था, जिसके बच्चे मुझे सगे चचा की तरह चाहते थे, जिसकी पत्नी ने मेरे हाथ पर राखी बांधी थी। तुम्हें अपने किए पर पछतावा है? गॉड तुम्हें जरूर माफ करेगा। नहीं फादर, मुझ जैसे गुनहगार को कोई नहीं माफ कर सकता। मुझे आज भी याद है दिवाली की वो महनूस रात, जब अपने दोस्त को मैं मजबूर करके जुआ खिलाने ले गया था, और जुआ खाने के मालिक को 5,000 रुपए देकर बेईमानी से अपने दोस्त को हरवाया। उसके बाद जो हर बुरे काम का नतीजा होता है, गाली गलौच, लड़ाई झगड़ा और फिर खून। खून? हाँ खून, घनश्याम के हाथों खून हुआ था। तुम कौन हो? मैं घनश्याम का बेटा रवि हूँ शंभू चाचा। मैंने तो तुम्हें अपनी असलियत बता दी, अब तुम भी मुझे अपनी असलियत बता दो मेरे प्यारे शंभू चाचा। मेरे पिता को हराने के लिए तूने रघु को 5,000 रुपए क्यों दिए थे? बोल, इसके पीछे क्या चाल थी? बोल, इस वक्त मेरे पिता कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं। शंभू, सच सच बता दे तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और मेरे पिता कहाँ है? बोल। जोसेफ को मालूम है। जोसेफ को? तू झूठ बोल रहा है। जोसेफ तो मर चुका है। अब ये राज तुझे बता पाएगा शंभू। बोल, बोल। जोसेफ जिंदा है। शंभू, देख, भगवान के घर में पादरी बनकर तू लोगों को धोखा देता रहा, उसने तेरे बुरे कर्मों की तुझे ये सजा दी है। अब तू भगवान के पास जा रहा है, जाने से पहले ये नेक काम करता जा। पता सच क्या है? बोल शंभू, बोल। अगर जोसेफ मरा नहीं है तो आज जिसे दफन किया गया है वो कौन है? बोल, सच बता दे तो शायद वो तुझे माफ कर देगा। शंभू बोल, सच क्या है? बोल, बता, ये सब क्या राज है? पता, पता जोसेफ कहाँ है? बोल जोसेफ कहाँ है? जोसेफ,
अरे शंभू, किसने मार डाला इसे? लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि लाश नहीं डमी है और इसमें करोड़ों के हीरे हैं? शंभू ने जब मुझे कहा कि जोसेफ मरा नहीं है तो मुझे शक हुआ, तो फिर वो कौन है जिसे कल दफनाया गया था और जिसकी शक्ल भी जोसेफ जैसी थी? अब तो मामला बिल्कुल साफ है कि ये त्रिपाठी का चलाया हुआ कोई बहुत बड़ा चक्कर है। एक्चुअली यू नो, आई ऑलवेज फेल्ट दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस, ये क्या है? ये दिल्ली से मोदी एंड मोदी ज्वेलर्स से भेजा है। हाँ, वो अनकट डायमंड्स होंगे। रफ डायमंड, आई हैव नेवर सीन, आई लव टू सी। यू विल सी देम नाउ। खोलो इसे। हैव टू बी वेरी केयरफुल विद डायमंड्स, यू नो। ओ मादरे मियो, सांता मरिया, व्हाट इज दिस? ही लुक्स जस्ट लाइक योर ब्रदर। ये किसी मन चले ने शरारत की है। इसे उठा के ले जाओ। हैरी, कम विद मी। हैरी, जाके मालूम करो कि कपड़ा किस लॉन्ड्री में धुला है और ये निशान किसका है। जी। ताकत। वो तुम्हारी डैडी की लाश नहीं थी बल्कि एक डमी थी जिसमें त्रिपाठी हीरे स्मगल कर रहा था। वो तुम्हारी डैडी यानी कि अपने भाई की मौत का ड्रामा करके सबकी आंखों में धूल झोंकना चाह रहा था। हद से, तेरा उससे कोई संबंध नहीं। हैरी, कुछ पता चला? मॉडर्न लॉन्ड्री से पता चला है कि ये चादर कुंवर दिलीप सिंह के घर की। कुंवर दिलीप सिंह? इसका मतलब है कि कुंवर दिलीप सिंह ही ताकत है। मैं उसे मच्छर की तरह मसल के रख दूंगा। मिस्टर डिमारिया, सी सीनियोर, आप कहां जा रहे हैं? जस्ट फॉर रिलीफ। आज का दिन तो रॉयल सैल्यूट का दिन है। जी, रॉयल सैल्यूट, यस। हाँ, ऐसे नहीं, मेरे साथ आओ। आओ, बैठो। वो रॉयल सैल्यूट नहीं, रॉयल सैल्यूट ये, बोलो पियो। आज का दिन हमारे लिए बड़ा खुशी का दिन है। सोफिया डार्लिंग, जरा कुंवर साहब का नंबर तो मिला दो। हेलो, कुंवर स्पीकिंग। कुंवर साहब, मैं आपका खादिम त्रिपाठी बोल रहा हूँ। हेलो त्रिपाठी साहब, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। एक अहम मशवरा लेना था आपसे। मेरे पास एक बहुत बेनजीर हीरो का हार बिकने के लिए आया है, उसकी कीमत का अंदाजा मैं नहीं लगा पाया हूँ। क्या आप इस सिलसिले में मेरी मदद कर पाएंगे? जरा नमाजी का शुक्रिया जो आपने हमें इस काबिल समझा। तो फिर आप तशरीफ ला रहे हैं? जी हाँ, जरूर आऊंगा। शुक्रिया कंवर साहब। अपने सारे आदमियों को होशियार कर दो, कुंवर आज यहां आएगा, वापस नहीं जाएगा। आज मैं तमाम पुराने हिसाब किताब चुकता कर दूंगा। चल गया है कि तुम ताकत हो। चारों तरफ उसके आदमी तुम्हें घेरे हुए हैं। मैंने ये लाइट तुम्हारे लिए ऑफ करवाई है, फौरन यहां से भाग जाओ। ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं,
वेरी गुड परफॉर्मेंस, यू ब्यूटीफुल डांसिंग, हाँ कम प्लीज कम हैव ड्रिंक विद मी। अंधेरा हो गया तो क्या हुआ, तुम लोग अंधे तो नहीं हो गए थे? वो एक छोटी सी सुई तो नहीं जो गायब हो जाएगी? वो एक इंसान है, लंबा चौड़ा देवाइकल इंसान। बात तो दरअसल ये है कि तुम लोग काम चोर हो गए, नमक हराम हो गए, हराम खोर हो गए। आप बुलाएं और हम बिना मिले चले जाएं, ये कैसे मुमकिन है? उसे तो ऊपर वाले ने ही सजा दी है, फिर भी आप शौक पूरा करना चाहें तो जरूर कीजिए। वैसे मेरे साथ आप भी अंदर जाएंगे? देखो हम दोनों लुटेरे हैं, हमसे जितना माल तुमने लूटा है हमें वापस दे दो। हम दोनों को आपस में लड़ झगड़ के नहीं रहना, मिलके रहना। मिलकर? तुम्हें और हमें बहुत फर्क है त्रिपाठी साहब। तुम जैसे लोग देशवासियों को लूटते हो और हम तुम जैसे लुटेरों को लूटकर उनका माल वापस करते हैं। लेकिन फिर भी कानून की नजर में हम दोनों बराबर के मुजरिम हैं। कुंवर साहब, मैं आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं। अगर हम दोनों मिल जाए सारे मुल्क की दौलत हमारे कदमों में होगी। मैं तुम्हारी तरह हराम दहर नहीं। बकवास बंद करो, ये मत भूलो कि तुम मेरे आओ। शेर जहां भी जाता है शेर रहता है, और शेर को चाबुक के साथ बकरी भी बनाया जा सकता है। ऐसा चाबुक इस शेर के लिए अभी तक नहीं बना। अच्छा, इस चाबुक के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? त्रिपाठी, अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। कॉलर छोड़ो, स्त्री खराब हो जाती है। तुम्हारी छोटी सी नादानी से इस मासूम की जान जा सकती है। बेहतरी इसी में होगी कि मेरे और मेरे साथियों का जितना भी माल तुमने लूटा है वो वापस कर दो, वरना तुम्हारी बहन तुम्हें मिल तो जाएगी लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में। डोंट ट्राई इट प्लीज। ताकत शेर सिंह, तू हम कौन से यहां क्यों आया? तुझे इस जगह नहीं आना चाहिए था। फौरन जा किसी होटल में चेक इन कर। मेरा भाई शंभू कैसे मरा? ताकत ने हीरे चुरा लिए और उसी ने शंभू का खून कर दिया। तुम झूठ बोलते हो। पहाड़ी बकरे, होश में आ। मैं बिल्कुल होश में हूं। ताबूत सबके सामने दफनाया गया था सिवाय तुम्हारे, मेरे और मेरे भाई शंभू के। किसी और को मालूम नहीं था कि इसके अंदर हीरे हैं, और चूंकि हम दोनों भाई इसमें हिस्सेदार थे तुम्हारी नियत में फर्क आ गया। तुमने शंभू को खत्म कर दिया और सारा माल हड़प कर लिया और ताकत की झूठी कहानी घड़ ली। पागल मत बनो, वो हीरे वाकई चोरी हुए थे। मेरी बात मानो, तुम वापस चले जाओ। वापस कैसे जाओ? जिस इस पार्टी से हीरे लिए हैं उन्हें पेमेंट कौन करेगा? मिस्टर जोसेफ? जोसेफ नहीं, त्रिपाठी बोलो। मेरे लिए तुम जोसेफ ही हो। भूल गए तुम, शंभू ने और मैंने, हम दोनों भाइयों ने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए। तुम्हारी खातिर मैं दुनिया के लिए मर गया ताकि घनश्याम तुम्हारे लिए नोट छाप सके, और तुमने मेरे ही भाई को खत्म कर दिया। कान खोल कर सुन लो मिस्टर जोसेफ, रूम नंबर 261 होटल ताज, शाम के 6 बजे तक पैसे पहुंच जाने चाहिए, समझे? तब तक तू जिंदा नहीं रहेगा शेर सिंह। अपनी मौत का नाटक खेल के तूने मुझे 20 साल तक नरक की आग में चलाया है। तेरी वजह से मुझे घनश्याम से विक्रम सिंह बनना पड़ा। तूने मेरा घर बर्बाद किया, मेरे बीवी बच्चे छुड़ाए। अब तुझे ये दुनिया छोड़नी पड़ेगी कमीने। तुम्हारा बुजुर्ग मैं नहीं, जोसेफ है। तुमसे नोट छुपाने के लिए उसने मुझसे ये सारा ड्रामा करवाया। इस मोहरे को तुम कुंवर के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हो,
ये उसका बाप है। ले जाओ इसे सेल में बंद कर दो। जोसेफ, चल बुढ़े, अब तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जोसेफ, हेलो। हाँ डिग्रू, मैं मुरली बोल रहा हूँ। मुरली? हाँ बोलो। देखो एक बात पते की कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। हाँ, वो त्रिपाठी जोसेफ है। क्या, त्रिपाठी जोसेफ है? हाँ ठीक कह रहा हूँ। और एक दूसरा झटका भी ले लो, विक्रम सिंह ही तुम्हारे पिताजी घनश्याम है। क्या, ये क्या कह रहे तुम? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपने कानों से सुना है। हाँ, और त्रिपाठी ने उनको कैद कर रखा है। हेलो। हाँ हाँ मुरली, हाँ मुरली, देख तू बिल्कुल होशियार रहना, मैं भी आ रहा हूँ। क्या बात है, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, कौन हो तुम बेटा? मैं सुशील हूँ माँ, तुम्हारा सुशील। याद है 20 बरस पहले बस एक्सीडेंट में हम लोग बिछड़ गए थे। बेटा, मैं बहुत तड़पी हूँ तुम लोगों के बगैर, बहुत दुख झेले हैं मैंने, दर दर की ठोकरें खाई है, लोगों ने मुझे भिखारी समझकर भिक्षा भी दी है। ये हाथ जो कभी देते थे सवाले बनकर पहले है बेटा। बस करो माँ, बस करो, नहीं तो ये सीना फट जाएगा। अरे पगले, तू क्यों रो रहा है? रो नहीं रहा हूँ माँ, बस इनकी खुश नसीबी को देखकर खुशी के आंसू निकल पड़े। इतने नसीब वाले सब कहाँ होते हैं जो बरसों से बिछड़ी माँ को अपने सीने से लगा सके। माँ, चंदा कहाँ है? अस्पताल में है, उसकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है। सच माँ? हाँ। चंदा देख सकेगी? भैया का हाथ पूरा होगा? हाँ भैया, और पिताजी का कुछ पता चला? वो नहीं मिले, हम ठोकरें खाते रहे, फिर ये फरिश्ता मिल गया। बेटा माथा टेक इसके चरणों में। माँ, मैं इनके एहसानों का बदला तो जिंदगी भर नहीं चुका सकता, लेकिन अभी तुम्हें सिर्फ गिरफ्तार करने आया हूँ। गिरफ्तार? नहीं, क्या कह रहे हो? हाँ माँ, ये बहुत ही खतरनाक मुजरिम है। मिस्टर कामा, बेहतर इसी में है कि आप अपने आप को मेरे हवाले कर दें। नहीं, अगर ये मुजरिम है तो दुनिया में देवता कौन है? जिसने तेरी अंधी बहन की इज्जत बचाई, उसे भाई का प्यार दिया, वो गुनेगार है? जिसने तेरी दुखी हारी माँ को सर छुपाने की जगह दी, वो लुटेरा है? सुशील, अगर ये बुरा है तो भगवान करे दुनिया में सारे इज्जत से बुरे हो जाए। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ माँ, लेकिन फर्ज के हाथों मजबूर हूँ। इस वक्त मुझे इनको गिरफ्तार करना होगा। तुझे इस तक पहुँचने के लिए मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। इसे अगर कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। माँ, तू अपने आप को संभाल। माँ, 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 मुझे मेरे फर्ज से लड़ेगा। तू ठीक तो है माँ? मैंने जब कोई जुर्म किया तो ये मुझे गिरफ्तार कैसे करेंगे? इन्हें कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? हाँ, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको समझाता हूँ। प्लीज
मेहरबानी होगी आपकी, आइए। डीएसपी साहब, तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो। मुझे मां के सामने गिरफ्तार मत करो, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। अभी अभी बीमारी से उठी हैं, उन्हें कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। उन्हें कह दो कि मैं बेगुनाह हूं। तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है, मैं आपके साथ चलता हूं, मुझे बाहर चलकर गिरफ्तार कर लीजिएगा। मेरी मां के लिए तुम्हारे दिल में इतना प्यार, ठीक है जैसा तुम कहते वही होगा। शुक्रिया मां। मैंने कहा था ना इन्हें कोई गलतफहमी हुई है, ये किसी और कुंवर साहब के चक्कर में यहां आ गए हैं। हां मां, ये उस मुजरिम को अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे उसका घर दिखाने ले जा रहे हैं। मुझे मालूम था ये कभी कोई गलत काम नहीं करेगा। चलिए आइए। इंस्पेक्टर। यस सर। मां को हमारे बंगले पर ले जाओ, अम्मी जान से मिला देना, उनसे कहना कि हमारी मां है। नहीं बेटा, तुम दोनों उस बदमाश को पकड़कर आ जाओ, फिर कुंवर बेटे के साथ में वहां चलूंगी। इसके कदमों की बरकत से मुझे तू मिला है, हो सकता है रवि और तेरे पिताजी भी मिल जाए। जरूर मिलेंगे माँ, बस आशीर्वाद दो। कैसा आशीर्वाद? ये आकर बताऊंगा। भगवान तुझे कामयाबी दे। बस अब तो फतेह ही फतेह है। चलिए डीएसपी साहब। अच्छा माँ। आ, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, ये मुझे दे दो, थक गए होगे। पहले मेरी बहन। हाँ, तुम अपनी बहन को भी खुशी से ले जा सकते हो। और अपने पिता घनश्याम को भी। ओ, ये भी खबर है तुम्हें, ठीक है आओ मेरे साथ चलो। पहले आप कहते हैं हमेशा शरीफ के आगे और शैतान के पीछे चलना चाहिए। कुंवर साहब उधर क्या देख रहे हैं, इधर देखिए। साहब आप नहीं, तुम कहिए पिताजी। पिताजी? हाँ पिताजी, मैं आपका बिछड़ा हुआ बेटा रवि हूँ। रवि? हाँ, नहीं पहचाना अपने बदनसीब बेटे को। ये देखिए चंदा की राखी का जलने का निशान। हाँ रवि, पिताजी रवि, मेरे बेटे रवि। पिताजी। बेटे बेटे, तुम्हारी माँ सुशील और चंदा कहाँ है? पिताजी आपके जाने के बाद सब बिछड़ गए थे, पर शायद भगवान को हम बदनसीबों पर दया आ गई, माँ और सुशील मिल गए और चंदा भी यहीं कहीं। चंदा चंदा डरो नहीं चंदा, मैं हूं कुंवर। कुंवर भैया। अरे तो ठीक तो है चंदा रानी। चंदा रानी। चंदा, ये पापा जी हैं। हाँ। हमारे पापा जी हैं और मैं तुम्हारा सगा भाई रवि हूँ। रवि? हाँ, जब तुम्हारी आंखों की पट्टी खुलेगी तो मेरे हाथ पर अपनी जली हुई राखी का निशान देखोगी। रवि, रवि भैया। हाँ। सचमुच मेरे रवि भैया। हाँ, मैं रवि भैया हूँ और ये पापा जी हैं। पापा जी, पापा जी से मिलो। लेकिन आज भगवान ने सबको मिला दिया है। आओ घर चलो। चलो चलो घर चलो।
मेरी आंखें इतनी कमजोर नहीं है कुंवर कि कांच के टुकड़ों में और हीरों में फर्क ना जान सके। और मेरी अकल भी इतनी कमजोर नहीं कि तुम जैसे हरामजादों का ना पहचान सकूं। जबान को लगाम दे और सच सच बता दे मुझे हीरे कहां हाथ हटा लंगड़दीन कपड़े खराब हो जाएंगे। ये लंगड़ा नहीं है बेटा, ना इसका नाम असली है ना सूरत असली है। इसका नाम जोसेफ है, अच्छी तरह जानता हूं। ये दाढ़ी की आड़ में शिकार खेलता रहा है। क्यों मिस्टर त्रिपाठी उर्फ जोसेफ? जब तुम सब कुछ जान ही चुके हो तो मरने से पहले मेरी असली शक्ल भी देख लो। मेरी ये मनहूस शक्ल मैं 20 साल पहले देख चुका हूं और वो लम्हा मैं आज तक नहीं भूल सका। तूने हीरों का बैग देकर मेरी जिंदगी का रुख गलत रास्ते की तरफ बदल दिया। उसी दिन से मुझे तेरी तलाश थी और तलाश करते करते मौत के मुंह में पहुंच गए। तुम खुद मौत को मेरे करीब नहीं आने दोगे, इसलिए कि सिर्फ मैं बता सकता हूं कि असली हीरे कहां हैं। और मैं ये भी जानता हूं कि अगर असली हीरे अंदर आ गए तो हम में से कोई बाहर नहीं जा सकेगा। तुम हमारे साथ बाहर आओ, असली हीरे तुम्हें मिल जाएंगे। नहीं, अब तुम बाहर भी नहीं जाओगे और असली हीरे कहां हैं ये भी बताओगे। बाहर जाने के बाद कुंवर मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यारी अपनी बहन की आंखें। बता दो। नहीं त्रिपाठी, त्रिपाठी रुक जाओ कुत्ते। कुंवर अगर ये पट्टी वक्त से पहले खुल गई तुम्हारी बहन हमेशा के लिए अंधी हो जाएगी। त्रिपाठी अगर अपनी बहन की आंखों की सलामती चाहते हो तो अभी भी वक्त है, बता दो। ठहरो ठहरो मैं बता रहा हूं। नहीं भैया तुम्हें मेरी कसम मत बताना, मैं अंधी थी अंधी रहूंगी। तो फिर ले। नहीं। ये मेरा पहला कदम था, दूसरा शर्मनाक होगा और तीसरा होगा भयानक जो तुम अभी देखोगे। इस लड़की के कपड़े उतार दो। नहीं। खबरदार अगर एक कदम भी आगे लिया मैं गोली मार दूंगा। मैं देख सकती हूँ मिस्टर त्रिपाठी, तुम अपनी गिनती में मार खा गए। मेरी पट्टी तो आज ही खुलने वाली थी, वो आज ऐसे वक्त में खुली कि मैं तुझ जैसे शैतान को खत्म कर दूं। खबरदार मेरे बाप और भाई को छोड़ दो वरना मैं गोली मार दूंगी। खबरदार अगर कोई अपनी जगह से हिला तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। भतीजे तुम? हाँ चाचा, तुम्हें तुम्हारे असली रूप में देखकर बहुत खुशी हुई। सर ये कमिश्नर का बेटा नहीं है, इसी बुढ़िया का सगा बेटा है। ओ, हमारे लिए तो ये बिल्कुल नई खबर है। ले जाओ और बांध दे इसे। जनाब। घनश्याम मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे बीवी बच्चों से मैं तुम्हें मिलाऊंगा। ये देखो ये रहा तुम्हारा पूरा परिवार। ये सुशील है तुम्हारा छोटा बेटा, और अपने बड़े बेटे कुंवर से तो तुम मिल ही चुके हो। रवि बेटा। हाँ, यहां सिर्फ देखने की इजाजत है, तुम लोगों का मिलन ऊपर होगा। डार्लिंग तुम्हारी मोहब्बत और वफादारी से हम बहुत खुश हुए। और भतीजी तुमने जो कारनामा अंजाम दिया है वो सिर्फ अपना खून ही दे सकता है। हम बहुत खुश हुए, इसीलिए अपने दोनों दुश्मनों को खत्म करने की इज्जत हम तुम दोनों को देना चाहते हैं। डार्लिंग तुम कुंवर को गोली मारोगी और भतीजी तुम इस डीएसपी को जहन्नुम रसीद करोगी। मैं तीन तक गिनूंगा, दोनों की गोलियां एक साथ चलनी चाहिए। एक, दो, तीन। तो यह है तुम दोनों की असलियत। जब कमिश्नर ने तुम्हें मेरे हवाले किया था मैं उसी वक्त समझ गया था कि तुम पुलिस के एजेंट हो, और तुम पर मुझे शक हुआ था जब कुंवर ने अपने बाप का जिक्र छेड़ा था। मैं सोफिया नहीं,
धर्मदास की भतीजी, और अब मैं तुम लोगों को ऐसे तड़पा के मारूंगा कि तुम मौत की भीख मांगोगे और मौत तुमसे बहुत दूर भागेगी। अरे भतीजे, पुलिस को भी साथ ले आए तुम। त्रिपाठी, तुम्हारे करतूतों का भंडा फूट चुका है। पुलिस चारों तरफ से तुम्हारे कसीनो को घेर चुकी है, इसलिए अब तुम बच नहीं सकते। शराफत इसी में है कि तुम बाहर निकलकर अपने आप को कानून के हवाले कर दो। चौधरी साहब, आप बुलाएं और हम ना आए, ये तो दोस्ती के नाम पे धब्बा होगा। सिर्फ इतना है कि अपने चमचों से कह दीजिए, राइफल उठाने से पहले गाड़ी को गौर से देख लें, कहीं ऐसा ना हो कि किसी की एक गलती से जिंदगी भर आपको पछताना पड़े। ड्राइव। कमिश्नर साहब, मेरे एक हाथ में आपके बेटे की कनपट्टी पे लगा हुआ एक पिस्तौल है और दूसरे हाथ में ये रिमोट कंट्रोल, जिसका कनेक्शन इस गाड़ी के नीचे लगे हुए एक बॉम्ब के साथ है। अगर पुलिस ने कोई गलत कदम उठाया, मैं तो मरूंगा ही, लेकिन मेरे साथ ये सब भी मरेंगे। हाँ, अगर पुलिस ने मेरे कहने पर अमल किया, मैं वादा करता हूं अपनी मंजिल पर पहुंचकर इन सबको जिंदा सलामत वापस भेज दूंगा। क्या सोच रहे हैं कमिश्नर साहब? अपने पुलिस वालों से कह दीजिए मेरे रास्ते से हट जाएं और मेरा पीछा करने की कोशिश न करें। लेट हिम गो, डोंट फायर। मुझे कुछ नहीं होगा मां, तू फिक्र मत कर, फिक्र मत कर। हेलो हेलो, कंट्रोल रूम, मैं कमिश्नर चौधरी बोल रहा हूं। बाहर जा रहा हूं भतीजे,
तुम सब इस दुनिया से बाहर जाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम जिंदा हो? हाँ, मेरे खानदान पर किए हुए जुल्मों का आज तुझे पूरा हिसाब चुकाना पड़ेगा। रुक जाओ, अगर जरा भी आगे बढ़े तो तुम अपनी आंखों से अपने खानदान की तबाही का नजारा देखोगे। जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है मिस्टर जोसेफ। अभी दिखाता किसके हाथ में। की निशानी है जो मेरी मां थी अपने पति के लिए तड़पती हुई वो इस दुनिया से चली गई और अब मैं अपने बाप के प्यार की हसरत लिए इस दुनिया से जा रही हूं। बेटी, मेरी आंखों पे पर्दा पड़ गया था। तुम्हारा जलील बाप अभी जिंदा है, तुम्हारी आंखों के सामने है। बेटी, एक बार, सिर्फ एक बार मुझे डैडी कहकर बुला लो, सिर्फ एक बार। नहीं, अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं। बेटी, इसी के लिए तो अपने मुल्क, समाज और कौम से गद्दारी करता रहा। इसी दौलत के लिए न जाने तूने कितने घर बर्बाद किए, कितने मासूमों को तबाह किया। उठा इन कागज के टुकड़ों को और खरीद ले अपनी बेटी के लिए जिंदगी। अरे कमबख्त, सारी दुनिया की दौलत देकर भी तू अपनी बेटी के लिए एक सांस नहीं खरीद सकता। कुदरत ने तुझसे तेरे कर्मों का बदला लिया है जोसेफ।
کی خاطر خاک کر ڈالے چمن خالی ہاتھوں پھر بھی جاتا ہے کوئی ڈالے کفن।